Hi students, welcome to SEMP self-paced paper. I am Sianu Jalota. तुम्हारे पास CA final के 6 paper हैं, लेकिन उसके अलावा self-paced papers भी हैं, जिसके वजह से this is self-paced paper number B. Institute के हिसाब से ये वाला paper आप खुद ब खुद पढ़िए और उसके बाद आप examination इसका वो दीजिए. If you clear, it is over. आपकी marksheet के अंदर ये वाला जो paper है, ये नहीं आने वाला है. इसके जो marks होंगे, that do not matter. तो अगर आपको 100 के अंदर से 50 मिल जाता है, दैट टाइम योर जॉब इज ओवर. ओके, चाहे किसी को 51 मिले, किसी को 99 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू ऑल विल बी गेटिंग लाइक यू नो दैट यू ऑल हैव क्लियर्ड दिस. ठीक है सर, ये वाला पेपर डालने की जरूरत क्यों थी? ये वाला पेपर ओल्ड कोर्स के अंदर तो था, लेकिन इसको रखने की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी. दिस सब्जेक्ट इज द ओनली सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल योर पेपर्स दैट टीचेस यू हाउ टू बी रनिंग द बिजनेस. अगर ध्यान से सोचोगे, शायद तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं या फिर वो होने वाले हैं, तो वो सारे के सारे पेपर्स ना रूल बेस्ड पेपर्स हो गए. तुम्हारा अकाउंटिंग जो है वो IFRS वगैरह के ऊपर है या INDAS के ऊपर है. तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, दीज ऑल रूल बेस्ड पेपर्स. योर ऑडिट इज रूल बेस्ड, इज अ गाइडेंस फॉर इट. लेकिन अब बिजनेस करने का कोई रूल नहीं होता. बिजनेस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन कॉमन सेंस. दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन थे, दे ऑल हैव नॉट डन एनी कोर्स. ओके, लेकिन ये लोगों को एक चीज जो करना आया, दैट इज बिजनेस जमाना आया. दैट इज वॉट एवर दिस थिंग विल टीच यू. बहुत सारा चीज है जो आप यहां पे करोगे. अगर आगे जाके MBA भी करोगे, आपको MBA का बहुत सारा पोर्शन इस कोर्स के ना कवर कर दिया गया है. ICAI could not have guts to be removing this paper, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस करना क्या होता है या फिर किसी और का बिजनेस संभालना क्या होता है. तो लाइक यू नो, इफ यू आर फ्रॉम अ बिजनेसमैन फैमिली, ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें आप लोगों को नेचुरली ही आता होगा. बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू नो इन बिजनेस जो आप लोग यहां एक्सपीरियंसेस सीखो या पढ़ के सीख लो. बस मेरा वही एक काम है, मेरे को इस सब्जेक्ट को वैसे कराना है ताकि रोजमर्रा की लाइफ के अंदर ऑल्सो यू ट्राई टू बी थिंकिंग कि हाँ यार, दिस इज द करेक्ट वे टू बी अप्रोचिंग द बिजनेस. अगर बिजनेस ऐसे करेंगे, देन इन दैट केस देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग गुड. तो ICA की इसी ऑब्जेक्टिव के साथ वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग. ICA ने क्या किया है, जो आपके मॉड्यूल्स हैं उन लोगों ने उसको दो पार्ट्स के अंदर वो बांटा हुआ है. वन इज इन दिस केस चैप्टर, मैं कंटेंट्स पर आ रहा हूं. तो वन इज चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक. ओके, जहां पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात है. और चैप्टर नंबर 8 से लेके 14 तक तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में बात है. सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 1, दिस इज मॉड्यूल नंबर 2. ICAI ने मॉडल टेस्ट पेपर्स भी निकाले हैं कि ICAI ये वाला पेपर जो है कैसे पूछने वाला है, आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा वो क्या होगा. जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो केस सिनारियो बेस्ड होगा. केस सिनारियो बेस्ड मतलब दे विल गिव यू अ केस सिनारियो और उसके हिसाब से MCQs होंगे. आप लोग अपना ऑप्शन टिक कर देना. फर्दर एक और चीज, मैं सेकेंड टाइम वो रिपीट कर रहा हूं कि आपको एग्जाम कैसा देना है, उसका अलग से एक वीडियो है ऑन YouTube. सो ट्राई टू बी सीइंग दैट. आई विल बी पुटिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नाउ मैं ये पेपर आप लोगों को कैसे सिखाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू बी टीचिंग दिस एंटायर पेपर ओनली फ्रॉम द मॉड्यूल कंप्लीटली. मॉड्यूल के अंदर जो भी कुछ है, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक आई एम गोइंग टू बी डूइंग. लेकिन कभी कभी एक सिचुएशन आ जाती है कि ना, ICAI का कई आंसर्स जो होते हैं ना, दोज आर लाइक यू नो नॉट इन अ लॉजिकल मैनर. तो मैंने क्या किया है, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मेरा हमारा खुद का एक PDF है. वो PDF कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है. एज लाइक यू नो द थिंग्स चेंज, आई कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स. तो जब आप लोग ये वाला कोर्स परचेज करते हैं, आपको हमारे डैशबोर्ड के अंदर एक आपको मैसेजेस का वहां पे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, न्यू फाइल विल गेट अपडेटेड फॉर यू. ओके, वो डाउनलोड हो जाएगा. अगर चाहो तो प्रिंट कर सकते हो. 200 से 250 पेज का होगा. अगर प्रिंट करने का होगा तो भी चलेगा, अगर नहीं करने का है तो भी चलेगा. यू ऑल जस्ट कैन बी गोइंग थ्रू द सॉल्यूशंस एज सच. ओके, नाउ ये वाला जो पेपर है, आई हैव टू लिंक इट टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. यू नो, बहुत साल पहले जब ही दुनिया के अंदर कंपटीशन नहीं था, आप लोग से 70s की बात करोगे, 80s की बात करोगे, इंडिया की चलो बात करूं, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, इंडिया के अंदर एक ही कंपनी थी, फियट, फिर मारुति आई. नाउ दीज टू कंपनीज डोमिनेटेड द ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर सो लॉन्ग. तभी बिजनेस करना, इट वॉज वेरी सिंपल. हम लोग गुड्स बनाएंगे, कंज्यूमर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को कार खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, या मारुति या फियट. और आज की डेट में जरा देखो कितने सारे ऑप्शंस है. पर्सनली मोर ऑप्शंस लीड टू
more amount of confusion also for a consumer, but that is also beneficial to a customer. आज की तौर पे से टाटा कंपनी हो गई, से मारुति हो गई, फिर उसके बाद से MG हो गई, Hyundai हो गई, से किया हो गई. There are so many companies who are trying to occupy a small pie of the automobile sector. मोबाइल फोन्स की बात करो, 1990s के अंदर दो ही कंपनीज होती थी, एक मोटरोला और एक नोकिया. दोज वर द ओनली टू कंपनीज जो किसी ने वो सुना हुआ था. आज की डेट में जरा देखो हाउ द थिंग्स हैव चेंज. नाउ एवरीबडी कैन गेट व्हाट दे वांट. इट्स ओनली दैट यू नो यू हैव टू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइस इन सम वे. अगर बहुत अच्छे फोन्स चाहिए, ट्राई टू पे अ हायर प्राइस. अगर ज्यादा प्राइस नहीं पे कर सकते, सेटल फॉर अ लोअर एंड फोन. लेकिन इन लोअर एंड फोन्स ऑल्सो कंपनीज आर कंपीटिंग सो मच इन ट्राइंग टू ऑक्यूपाई अ चंक ऑफ द मार्केट. ये वाला जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है ना, इट फोकसेस ऑन दीज चेंजेस दैट आर देयर. सारा का सारा जो बिजनेस है ना, इट इज नॉट सेम. 1950s का कभी ट्राई टू सर्च ऑन गूगल द टॉप मोस्ट कंपनीज इन 1950s, 1970s कर लो चलो, और उसके बाद एक और चीज सर्च करना, टॉप मोस्ट कंपनीज इन दिस ईयर. You will find that not even one company of that is applicable over here. Every company that was great at one time, kidhar na kidhar aaj wo hai hi nahi shayad. Wo log kya nahi kar paaye? Wo log sustain nahi kar paaye. Sustainability is a big thing. Sustainability, does it mean to only profits? No. Companies like Nokia earned massive profits. उनके पास उतना profit tha that they could have survived for very long time. लेकिन वो लोग फिर भी sustain नहीं कर पाए. सस्टेन नोकिया क्यों नहीं सस्टेन कर पाया? उनको नहीं लगा था स्मार्टफोन दुनिया के अंदर आएंगे. उन लोगों ने जो गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम था उसको शुरू के अंदर ठोकर मारी दिया था, तो गूगल सबसे पहले नोकिया के पास ही गया था कि यूज आर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर फोन्स. लेकिन तभी नोकिया अपनी धुन के अंदर ही था, वो लोग सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स हु एट वन मोमेंट ऑफ टाइम ऑक्यूपाइड मेजर पोर्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर, आज वो लोग किधर है? इंडिया के अंदर तो जनरल मोटर्स यू माइट नॉट हैव मच हर्ड ऑफ ऑल्सो. सो समवेयर ऑर द अदर हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. नो इनफैक्ट वॉट एवर वी आर टीचिंग नाउ, ओके, शायद 5 साल के बाद देर बी सो मेनी न्यू कंसेप्ट इन बिजनेसेस. न्यू फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैव कम. देर आर न्यू वेज टू फाइंड आउट आर यू डूइंग समथिंग रॉन्ग और नॉट. देर आर न्यू वेज टू फाइंड आउट दैट हाउ गुड द कंपनी हैज परफॉर्म्ड. लाइक यू नो आज से 15 साल पहले शायद लाइक यू नो हाउ गुड यू हैव परफॉर्म्ड उसका एक दो मेजरमेंट ही होते थे. सर EPS निकाल लेते हैं, ROI निकाल लेते हैं, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड करके एक दो चीजें हैं. ओके, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट. ये सारी चीजें थी. लेकिन आज व्हेन यू विल ट्राई टू बी स्टडिंग ऑल दीज चैप्टर, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज देर आर सो मेनी वेज टू मेजर द परफॉर्मेंस. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप लोगों ने वेरिएंसेस किया हुआ है, बट ऑल दोज थिंग्स हैव बिकम वेरी ऑर्थोडॉक्स नाउ. ऑल्दो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज स्टिल अ चैप्टर, इट इज नॉट बिकम यूजलेस, बट इट इज नाउ अकंपनीड विद बेटर टेक्निक्स. That is whatever this kind of a subject will teach you. तो ये वाला subject दो लोगों के लिए in real life बहुत काम में आएगा. या अपने dad mom का business संभालोगे, या फिर अपना खुद का business करोगे, first category of people. Second, किसी और का business वो संभालोगे by being in a position of CEO or chairman up and so on. Okay. एक और चीज जरा वो सोचना, that is CEO and chairman mean the same thing? And should one person become the CEO of the company and the chairman of the company? Shayad aisa koi ek question ka answer I will try to be getting in chapter number 8. Okay. So this is interesting subject. Interesting subject in the sense ki this is most practical subject. Like you know, hum log hamesha bolte hain, tumko financial reporting kab kaam mein aayega? Aray jab business hoega tab financial reporting aata hai na kaam mein. तुम लोग टैक्स वगैरह कभी भरोगे? जब भी पैसा कमाओगे, टैक्स प्लानिंग वगैरह वो सब कुछ पोस्टमार्टम की बात है. लेकिन ऑब्वियसली पैसा कमाना तो आना चाहिए ना. तो पैसा कमाने के लिए मेरे हिसाब से तो दो ही चीजें होती हैं. वन, ईदर ट्राई टू बी लर्निंग स्टॉक मार्केट्स, ओके, और इन दिस केस ट्राई टू बी लर्निंग बिजनेस. ओके, इंडिया इज नोन टू बी अ बिजनेस हब. जितने लोग यहां पर एंटरप्रेन्योर्स हैं शायद उतने पूरी दुनिया के अंदर भी नहीं होंगे मिला के. Everybody like you know wants to be doing a business. लेकिन business जितने start होते हैं याद रखना उतने डूबते भी हैं. It is not that every startup is a successful one. In India, out of 100 startups, only one startup actually remains. बाकी जो 99 है we might not ever hear them. Sometimes we all become
like, you know, too over ambitious. We try to launch products, okay, which might not be relevant for the consumer. So ultimately, business wo acha which will satisfy the needs of the consumer. Agar kabhi ek business idea hai, to yaar rakhna, business idea generate karna is nothing great or something. Business ideas duniya mein bahut hai. Har bande ke paas ideas honge. Mere ko bhi puchoge, tum logo 100 business ideas mein de hi dunga. Lekin wo business idea ko execute karke paisa kamana, that is nothing but the greatness of every businessman. So execution is the key. Creating systems is the key. Whenever you are trying to make your products, whenever you are trying to market your products, okay, there are certain systems that you follow. Business agar zindagi ke andar expand karna hai na, without systems koi bhi business expand nahi hota. Jab tak systems in place nahi hoga, nothing works out ever. So this subject aap log jo bhi seekh rahe ho, bas ek cheez zara karna, agar future ke na business karoge na, jo bhi yahan par karoge wo bhul mat jana, that will help you a lot. तुमको बिजनेस के अंदर डिसीजंस लेने होंगे बहुत ज्यादा. एट दैट टाइम ये वाला जो चैप्टर है तुम लोग को बहुत काम में आएगा. जो तुम लोगों ने सीए इंटर के अंदर सीवीपी एनालिसिस किया था, उसका डैडी वर्जन विल बी कमिंग ओवर हियर, वेयर बाय यू हैव टू ट्राइंग टू बी डिसाइडिंग लाइक, यू नो, क्या बिजनेस एक्सपैंड करूं, क्या ये वाला प्रोडक्ट रखूं नहीं रखूं, बिजनेस थोड़े दिनों तक शट कर दूं ताकि और लॉसेस ना हो. ओके, एनी बिजनेस डिसीजन इज नॉट ओनली गवर्न बाय प्रॉफिट या लॉस, इट इज गवर्न बाय मेनी अदर फैक्टर्स. दैट इज वट एवर दिस चैप्टर विल टीच यू. Then lot of new techniques are coming like just in time, total quality management, फिर उसके बाद 5S करके कुछ ना कुछ होता है, फिर Kaizen costing कुछ ना कुछ होता है. These techniques are wonderful ones. How to improve the quality of your product, you have value analysis, value engineering, all these business terms you will be coming to know. And you all can do specialization on any one of them in real life. And believe me, it is a huge job opportunity also if you exactly know these things. अगर ये सब्जेक्ट पढ़ के इंटरेस्टिंग लगे, देन आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि यू ऑल कैन बी गोइंग फॉर एन एमबीए, दैट इज वन थिंग. सेकेंड, यू ऑल कैन बी गोइंग फॉर समथिंग लाइक, यू नो, कॉल्ड एज सीआईएमए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंडन. तुम लोग ACCA तो कर ही सकते हो. ACCA के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, दे रिवॉल्व अराउंड दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू ऑल ऑल्सो कैन बी गोइंग फॉर समथिंग कॉल्ड एज सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो यूएस का डिग्री है. So with that, let us try to start away with chapter number one. Chapter number one is all about introduction to strategic cost management. As I told, sab kuch module se hi wo karenge. So I will bring chapter number one on your screen and then I will start. Chali guys, we'll start away with our chapter number one. This is introduction to strategic cost management. Now this chapter will teach you what? Duniya ke andar cost accounting systems kaise thi? उन चीजों का लिमिटेशन जो है वो क्या है, क्योंकि हमारा ये वाला सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग. वो सीए इंटर के अंदर था. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट. लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस. कॉस्ट का खर्चा हो गया, आप लोग उसको रिकॉर्ड कर लो, उसका क्या बेनिफिट है. फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग नाउ वी ऑल हैव शिफ्टेड टू कॉस्ट मैनेजमेंट. ट्राई टू मैनेज योर कॉस्ट इन अ प्रॉपर वे. ट्राई टू मैनेज द कॉस्ट मतलब ट्राई टू कंट्रोल योर कॉस्ट, ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट. लेकिन एज अ बिजनेसेस आर चेंजिंग ना, इवन दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट इनफ. ये चैप्टर आपको शुरू के अंदर ये वाला चीज बताएगा कि बिजनेसेस कैसे थे, तब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, तब हमारी टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती थी, एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग अवे, एंड वी आर नाउ शिफ्टिंग टू समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, विच इज कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स बेटा, स्ट्रैटेजिक और दूसरा कॉस्ट मैनेजमेंट. Try to ensure that your cost management is aligned to your strategies. And that is where this word comes, strategic cost management, जो तुम्हारा first 7 chapters का objective भी है. So that is whatever we are trying to be starting up with. This is all about introduction to strategic cost management. Okay. हर एक chapter के अंदर ICAI ने शुरू में यहां पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो देके रखे हुए, विच एज पर मी कैन ओनली बी अंडरस्टूड, ओके, इफ एंड ओनली इफ यू आर गोइंग टू बी डूइंग दैट एंटायर चैप्टर. तो ये अभी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है. इफ वी वांट, वंस अ चैप्टर इज ओवर, देन वी कैन कम बैक टू ऑल दीज थिंग्स कि इस चैप्टर के अंदर क्या था. ओके, फॉर समरी पर्पज दिस एंटायर थिंग इज गुड. सो देयरफॉर ऑल दीज थिंग्स वी विल टेक केयर इन द चैप्टर इटसेल्फ. सो लेट अस स्टार्ट अवे विद वन स्मॉल थिंग, एंड वॉट इज दैट? Managing cost strategically. Now, you all have done your CA inter. Okay, वहां पर एक बहुत important term आता है, might be the objective of costing, and that is nothing but cost control.
कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि ना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी विल सेट द स्टैंडर्ड्स एंड वी विल ट्राई टू इंश्योर लाइक यू नो कि हमारा कॉस्ट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसा ही हो. इन केस माई एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू माई स्टैंडर्ड कॉस्ट वी ट्राई टू बी सेइंग दैट वी आर मेंटेनिंग स्टेटस को QUO मतलब जो होना चाहिए था वही है. लेकिन ये वाला जो चीज है ना इट एंड्स राइट ओवर देयर. इफ माय एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू माय स्टैंडर्ड कॉस्ट माय ऑब्जेक्टिव इज मेट कॉस्ट कंट्रोल इज ओवर. लेकिन आजकल इट इज नॉट ओनली अबाउट कॉस्ट कंट्रोल इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट कंट्रोल अलोंग विद कॉस्ट रिडक्शन अलोंग विद कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. सर ये सारी टर्म्स क्या है. कॉस्ट कंट्रोल यू ऑल डू अंडरस्टैंड एक्चुअल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू योर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा वेरियंस नहीं होना चाहिए. ओके सर कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब इन दिस केस ट्राई टू मैनेज योर कॉस्ट. मैनेज योर कॉस्ट मतलब अगर कोई कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है ट्राई टू बी थिंकिंग द वेज एंड मीन्स टू बी मैनेजिंग दोस कॉस्ट. मोर अबाउट दिस इन द फ्यूचर चैप्टर्स. फिर इसके बाद देर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड एज कॉस्ट रिडक्शन. सर कॉस्ट रिडक्शन का मतलब भाई अपने कॉस्ट कंट्रोल मत करो उनको कम करने का ट्राई करो. सर कम करने का ट्राई करें मतलब फिर मटेरियल कॉस्ट का खर्चा करना बंद कर दे. नहीं कॉस्ट कंट्रोल का मतलब सर सस्ता मटेरियल खरीदना स्टार्ट कर दे बेकार वर्क लोगों को रखें कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही जाएगा. नहीं क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल के बाद जब कॉस्ट रिडक्शन आता है ना वी ट्राई टू बी सेइंग कॉस्ट रिडक्शन तब होता है व्हेन You try to maintain the quality of the product and try to reduce your cost. अगर ऐसा होता है there is a correct meaning of the term cost reduction. हर एक company at least try तो करती है कि ना cost reduction हो. Think of company like say MI, okay, Xiaomi company जो phones वगैरह वो बनाती है. Their phones range from 20,000 rupees to 1 lakh rupees also. उनका 99,999 का भी फोन है सर्च कर लेना. Now, but you all will understand one thing. One of the ways, not the only way, but one of the ways to increase your profit is to control your cost. जो आपके हाथ में होता है. क्या होता है? There is another way to increase the profit also. That is increase the selling price. लेकिन क्या होता है? Due to the competition which is there now, you cannot increase your selling price more than a certain limit. Customers might not buy your product. आज अगर अपने पास choice है, 1.5 lakh रुपए का Xiaomi का फोन खरीदें. यहां 1.5 lakh रुपए का एप्पल का फोन खरीदे. मोस्ट ऑफ पीपल विल बी मेकिंग दैट चॉइस दैट यू ऑल आर अवेयर. ओके सब लोग एप्पल का ही फोन लेंगे. सो इट मेक्स सेंस दैट कंपनीज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी थिंकिंग कि ना उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर्स इज इट ट्राइंग टू बी टारगेटिंग. सो MI यूजली यू विल सी डज नॉट ट्राई टू टारगेट हाई एंड कस्टमर्स. उनकी सारी एड्स ऑलमोस्ट वैसी ही होती हैं कि जैसे बाकी लोगों के फोन्स हैं हमारे भी वैसी फोन्स हैं. ओके हमारा क्वालिटी बहुत घटिया नहीं है. ऑल्दो वो लोग क्वालिटी के बारे में बात भी नहीं करते बट देन दे ट्राई टू बी सेइंग ये उनका फोन ये हमारा फोन. उनका भी कैमरा अच्छा हमारा भी कैमरा अच्छा. उनका भी प्रोसेसर फास्ट हमारा भी प्रोसेसर फास्ट. लेकिन आर प्राइस इज हाफ ऑफ देयर्स. Most of the people, especially in a developing country like India, try to be thinking, sir, price is the king, sir. Jiska price sabse kam, mere ko wohi cheez chahiye. 90% log, including me, sir, kuch bhi kharidna hota hai on Flipkart, pehle search kar, uske baad sort from low to high, and we try to purchase whatever is the cheapest one. Okay, obviously, baaki cheeze bhi dekh lete hain ki reviews wagera bahut ghatiya wagera na ho. Lekin price plays a very important part in all our life. Okay. बट जरा सोचो दैट कंपनीज लाइक से BMW कंपनीज लाइक से Audi लाइक Mercedes डू दे ट्राई टू फाइट अ प्राइस वॉर. आर दे नॉट डूइंग गुड. दे आर डूइंग फैंटास्टिक. ओके दे आर प्रीमियम कंपनीज. अभी रिलायंस इन इंडिया ओन्स मैक्सिमम ऑफ द ब्रांड्स ऑफ क्लोथ्स दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ. मोस्ट ऑफ देम आर ओन्ड बाय देम एंड यू नो मैक्सिमम प्रॉफिट दे डोंट मेक इन लाइक यू नो द मीडियम साइज ब्रांड्स लाइक से US पोलो अप एंड सोन. वो लोग उधर सबसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाते. समबडी कैन बी थिंकिंग सर US पोलो इन इंडिया इट इज कंट्रोल्ड बाय रिलायंस. वैसे ओके दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द हाई एंड ब्रांड्स जहां पे एक एक शर्ट 1-1 lakh रुपए का होता है. दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम देयर. कभी सर्च करना यू विल कम टू नो दैट हाउ मेनी ब्रांड्स ऑफ क्लोथ्स वॉचेस बैग्स आर ऑल रन बाय रिलायंस इन इंडिया. नो डाउट इट इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया. तो यहां पर एक पैराग्राफ है. हेयर स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक अ नोट दैट कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली डील्स विद अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट. जो आप लोग का CA इंटर के अंदर ऑब्जेक्टिव था
एंड नॉट द कंट्रोल और मैनेजमेंट देयर ऑफ. जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो टर्म है ना, जो तुम लोगों का जो सी इंटर वाला टर्म था, शायद तुम्हारा जो सब्जेक्ट का नाम था उसका कॉस्ट अकाउंटिंग ही नाम था. वहां पे वी आर ओनली डीलिंग विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, नॉट द मैनेजमेंट. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट एम्पावर्स द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद एन इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सिस्टम टू मेक एफर्ट्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द कॉस्ट. नाउ इस लाइन का मतलब, दीज डेज कंपनीज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑन ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम्स ताकि उनको पता चले कौन सा खर्चा करना चाहिए, कौन सा खर्चा नहीं करना चाहिए, इस खर्चे का बेनिफिट क्या हुआ, इस खर्चे का डिसएडवांटेज क्या हुआ, क्या कुछ भी करके ये वाला खर्चा कम कर सकते हैं. एक एग्जांपल तुम लोगों को सीए इंटर से ही देता हूं. वन ऑफ द कॉस्ट दैट यू ऑल हैव डन इन चैप्टर नंबर 2 इन सीए इंटर इन मटेरियल कॉस्टिंग वॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट कब लगता है? व्हेनेवर यू प्लेस एन ऑर्डर. ओके, यू ऑल विल अंडरस्टैंड दैट. जब भी एक ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारा ये वाला खर्चा होता है. तो अगर तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको वी ट्राई टू बी सेइंग एज ईआरपी सिस्टम और अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रैक्स लाइक यू नो कि तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है. अगर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मटेरियल कॉस्टिंग को कनेक्ट करूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट उसी के हिसाब से वो लगेगा. इस कॉस्ट का दिस इज कॉस्ट ड्राइवर. अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी फॉलिंग. अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है हम लोग कम करेंगे, सर वो कभी कम करेंगे? व्हेन वी विल ट्राई टू बी परचेजिंग इन बल्क. तो सप्लायर लोगों से बात करो, अगर बल्क के अंदर ऑर्डर किया तो तुमको समझ में आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल फॉल. ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी फॉलिंग और शायद आप लोग को डिस्काउंट भी मिले. लेकिन उसी के साथ एक ड्रॉबैक भी होता है जो तुम लोग ने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर किया. सर अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा ना, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा. दैट इज वेयर योर डिसीजन मेकिंग पार्ट विल स्टार्ट टू बी कमिंग. इस पूरी चीज को हम लोग कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. बाय टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर ट्राइंग टू मैनेज ऑल आर कॉस्ट. सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ट्राई टू मैनेज योर कॉस्ट. दैट इज वन थिंग. द एम्फसिस वॉज नॉट ओनली ऑन कॉस्ट कंटेनमेंट अंडर कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंटेनमेंट मतलब मेरा कॉस्ट उतना ही होना चाहिए जितना मैंने सोचा था. एक्चुअल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट. मेंटेनिंग द स्टेटस को, शायद ये वाला चीज मैंने बोला भी था, बट विद चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट वेयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज विटनेसिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन द एम्फसिस हैज बीन शिफ्टेड बेटर टू से वाइडनिंग फ्रॉम कॉस्ट कंटेनमेंट टू कॉस्ट रिडक्शन. कंपनीज आजकल ट्राई करती हैं कि यार क्या खर्चा कम कर सकते हैं. जरा सोचो, आज तुम लोग कुछ भी खरीदते हो. एग्जांपल के तौर पे, आई रिसेंटली वेंट इन दिस केस टू अ रेस्टोरेंट. मैंने उधर खाना खाया, फिर उसके बाद जब भी बिल मांगा वो बोलते सर आप अपना नंबर दे दो, हम आपको बिल जो है ना वो व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे. व्हाई दे आर डूइंग दिस? दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट. उससे क्या मेरा एक्सपीरियंस खत्म हो गया? मैं बिल हाथ में लूंगा, अल्टीमेटली एक दिन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा. ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. मैंने विजय सेल से अराउंड चार या पांच साल पहले 2 ACs लिए थे. अभी उसका बिल मेरे को उन लोगों ने तब प्रिंटआउट वगैरह दिया था, मैंने किधर ना किधर वो रखा था. वो जो फैक्स मशीन टाइप से वो बाहर आता है, कई लोग को शायद पता होगा, वो वाला जो इंक होती है ना वो 1-2 सालों के बाद उड़ जाती है. लेकिन मेरे पास उसका PDF था. और अगर नहीं भी होता, विजय सेल्स की ऐप के अंदर ऑल योर रिकॉर्ड्स विल बी देयर. उससे योर एक्सपीरियंस इज बिकमिंग बेटर. उससे विजय सेल्स का कॉस्ट इज फॉलिंग नाउ. ओके, द मोमेंट यू परचेज द बिल कम्स टू यू, यू कैन टेक योर GST क्रेडिट ऑल्सो. दोज गाइज हैव ऑलरेडी डन द थिंग्स. सो दिस इज वॉट एवर इज मेंट बाय कॉस्ट रिडक्शन. एमेजॉन इज नॉट ड्रिवन बाय एम्प्लॉइज, इट इज ड्रिवन बाय सिस्टम्स. दिन का वर्ल्ड वाइड जरा देखो, जरा सोचो एक बार, एमेजॉन के अंदर कितना परचेजेस होता होगा. अगर यही सिस्टम मैन्युअल होता कितने एरर्स होते. लेकिन एमेजॉन के ना, आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया एवर दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इनवॉइस? नो. हाउ ग्रेट देयर सिस्टम्स माइट बी, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट रिडक्शन. Cost reduction is an emotive term, hence it is better represented by the term cost management. So therefore, instead of cost reduction, let's try to be having the term cost management. Cost management ka ek part will be cost reduction. Traditionally, cost management only focuses on cutting or reducing the cost, whereas now focus is on either reducing the cost while maintaining the same quality, or ye wala line zara sab log dhyan dena, increasing the value at the same or reduced or reduced cost level. Uska matlab kya hai? Aajkal focus ye ho gaya hai ki na, aap log kya karo,
क्वालिटी सेम रखो, अपना कॉस्ट कम करो, या फिर अपना जो कॉस्ट है वो सेम रखो और जो वैल्यू है फॉर द यूजर वो इंप्रूव करने का ट्राई करो. इन एनी केस यू आर गिविंग अ बेटर वैल्यू टू द कंज्यूमर इन बोथ द थिंग्स, ईदर थ्रू प्राइस रिडक्शन और थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट. आजकल कंपनीज ये दोनों चीजें भी करती हैं या फिर दोनों का मिक्सचर भी कर लेती हैं. दे वुड वॉन्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट, सेकेंड दे वुड लाइक टू बी गिविंग यू ऑल हायर वैल्यू. In a contemporary setup, cost management is much more than only cost reduction. उसका मतलब सिर्फ cost reduction नहीं होता. Cost management could mean many other things that you all will see. And the biggest thing is that try to align your cost with the strategies of the organization. इस example के through you'll come to know. It has gained strategic importance in aligning cost to the business strategies. Cost ascertainment, this is your first step as such. Try to record the cost. Okay, this is the first thing over here. Second, try to control the cost. Jo cost ka kharcha kiya, jo ascertain kiya, dekho, was it within the limit or not? फिर उसके बाद ट्राई टू रिड्यूस योर कॉस्ट. शायद यहां तक इट इज ऑल अबाउट योर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट. ओके, ये वाले काम आज से 20 साल पहले भी होते थे, लेकिन आज बिजनेसेस हैव स्टार्टेड टू बी डूइंग दिस एक्स्ट्रा स्टेप ओवर हियर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ट्राइंग टू अलाइन योर कॉस्ट विद योर स्ट्रेटेजीज. आई टेक द सेम एग्जाम्पल जो थोड़ी देर पहले भी बोला. स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल विल बी से MI जैसी कंपनी. वो लोग रोज ट्राई करते हैं कि ना उन लोगों का कॉस्ट जो है कम हो जाए. व्हाट इज लाइक यू नो बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ MI, इफ यू ट्राई टू बी थिंकिंग, सिंस द टाइम MI केम इनटू इंडिया, देयर बेसिक स्ट्रेटजी सप्लाई गुड फोन्स, नॉट बैड फोन्स, गुड फोन्स एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस, एट द चीपेस्ट. उनको कोई शर्म नहीं आती कि हमारे फोन्स का जो प्राइस है वो सबसे कम है. दैट इज देयर USP. दे वॉन्ट पीपल, जिन लोग का भी इनकम थोड़ा सा कम होता है, ओके, विच आर पीपल वॉन्ट टू बी सेविंग मनी. कोई ऐसा सोच सकता है सर सैमसंग का फोन लू, एप्पल का फोन लू या MI का फोन लू, यूज तो सर एक कैमरा ही करना है और व्हाट्सएप ही करना है और तो सर कुछ करते ही नहीं आप लोग. 100% बात करेक्ट है. दोज पीपल विल लव वैल्यू फोन्स एंड MI ओनली केटर्स टू दैट. जरा सोचो, शायद ये MI का इफेक्ट था कि सैमसंग ने M सीरीज फोन भी स्टार्ट कर दिए, द लीस्ट कैटेगरी ऑफ फोन्स एज सच. सैमसंग इज वन कंपनी जिसके जो फोन्स हैं रेंज फ्रॉम ब्लडी 8,000 टू 2 लाख रुपीज ऑल्सो. जो फोल्ड वाला उनका फोन है, नॉट 2 लाख, शायद 1,75,000 कुछ ऐसा, जो उनका जो 1 GB वाला वर्जन आता है. So, strategic cost management is basically what? Trying to manage the cost so that it aligns with your strategies. Strategies, हर एक business का एक strategy होता है. Multiple strategies भी हो ही सकती हैं. Cost को ऐसे manage करो, example के तौर पे, like you know, if strategy of MI is, we want to be having cheapest phones, okay? तो वो लोग सब चीजें करेंगे ताकि उनका cost is always the least, okay? Suppose उनको एक सबसे सस्ता फोन लॉन्च करने का है इन द मार्केट, देन दे माइट नॉट बी यूजिंग Snapdragon का प्रोसेसर ऑल्सो, क्योंकि Snapdragon के प्रोसेसर्स आर एक्सपेंसिव. दे माइट बी यूजिंग MediaTek के प्रोसेसर्स विच आर वेरी चीप. लेकिन अगर एक बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको 5,000 रुपए का फोन चाहिए, उसके लिए भी ऑप्शन है ना अपने पास, ओके. सो एवरी कंपनी विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी. ये कॉन्ट्राडिक्टरी जरा सोचो कि ना एप्पल का स्ट्रैटेजी क्या है, टू बी लॉन्चिंग द मोस्ट प्रीमियम फोन्स. अगर कुछ भी कोई एक चीज डाल के कॉस्ट बढ़ाकर अगर आईफोन बिकम्स बेटर, एग्जांपल नाउ आईफोन्स हैव सैटेलाइट का कनेक्टिविटी ऑल्सो, आई डोंट नो यू ऑल नो और नॉट, ओके, दे वो एक एक्स्ट्रा फीचर है, उसकी वजह से एप्पल का कॉस्ट बढ़ जाता है, बट दैट अलाइंस विद द स्ट्रेटजी. ये भी कॉस्ट मैनेजमेंट ही है, ओके, वेयर बाय यू आर ट्राइंग टू स्पेंड समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू द यूजर. जो बंदा एप्पल का फोन खरीदता है वो ये नहीं सोचता कि मैं 1.5 लाख रुपए पे कर रहा हूं. ऑनेस्टली वो बंदा, मेरे को एप्पल का फोन चाहिए. And at that time, Apple starts to be playing with this mentality. It wants to be giving you all maximum features. So therefore, satellite phones ka connectivity is one of the most premium features. Jidhar aapka network nahi aayega, Apple phone wahan par bhi chalta hai because it directly connects with the satellites as such. Somewhere or the other, strategic cost management is always trying to manage your cost. These are your strategies. Combine them. That is nothing but strategic cost management. And then this chapter all starts away with one small thing, and that is nothing but कि तुम्हारा traditional cost management क्या था, उसके limitations क्या थे, and then we will start to be studying आजकल का business, that is strategic cost management, ये वाला चीज कैसे काम करता है.
ओके, आई विल सी यू ऑल नाउ इन द क्लासेस. चलिए गाइस, सो माय इंट्रोडक्शन टू योर चैप्टर नंबर 1 इज ओवर. इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस एंटायर कोर्स वेयर बाय आई विल बी कवरिंग एंटायर मॉड्यूल पेज बाय पेज. Entire course will be of 100 hours and all updations will be coming over there, including the model papers, every question solved, every MCQ, everything. All such things will be there in our course. Whenever anything gets added to your module, at that time it is our duty to be adding the things to your course also. There will be dedicated lecture on each and every aspect of the module, MCQs, practical questions, everything. The link to my course is given in the description. Once you click on that link, you will be directed to the enrollment of the course. Make your login ID, make your password, okay, pay the things, and then the course is directly on. In the dashboard, there will be a message whereby if you will be clicking, you will download that soft copy also that I've spoken in the beginning, whereby my own solutions are there that makes more sense as such. Further, if any doubts do erupt, then you all can message us on our Telegram ID @AgentNext. But to be honest, there is no need to call us for any of the enrollment process. It is all in an automation mode. You enroll directly, the course will be starting. You can watch the course once you have taken the admission on your laptop through Chrome browser or any other browser, but Chrome browser is better. If you want to watch it on your phone also, you can download our Android app or iOS app. On app, that is on Android and iOS, it'll be possible for you all to download the lectures for offline viewing also. On laptops, lectures will always be getting streamed from our server as such. Rest, our phone number is 8080324444. You can call us for any doubts, or as I told, you can message on our Telegram ID @AgentNext for further clarification. Thank you guys, take care, and I'll see you all now in the course itself. Bye, take care.